स्कूल कब खुलेंगे? बच्चों और पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है। मास सहित देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल बंद है। सीमित संख्या में पूरी सावधानी के साथ पिछले दिनों कुछ जगह स्कूल खोले गए थे, उनमें से कुछ राज्यों में फिर से स्कूल बंद कर दिए गए। कोरोना वायरस का प्रकोप धीमा पड़ता दिख रहा है, मगर सर्दियां शुरू हो गई है। हालांकि वैक्सीन आने की आहट के चलते स्कूल खोलने की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाने की बात कही है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया कह चुके हैं कि वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोलना ही ठीक रहेगा। ऐसे में इसकी संभावना बढ़ गई है कि वैक्सीन लॉन्च होने के बाद अधिकतर राज्य स्कूल खोलने की तरफ बढ़े। क्यों 4 जनवरी का बार बार हो रहा है जिक्र? 4 जनवरी 2021 यानी अगले साल का पहला सोमवार। पिछले 2 दिन से इस तारीख के इर्द गिर्द स्कूल खोलने की बड़ी चर्चा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने इसी तारीख के कक्षा 10 और 12 के स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर CISE ने कहा कि अगले साल 4 जनवरी से कक्षा 10 और 12वीं के स्टूडेंट्स के खाते स्कूल खोल दिए जाए ताकि उन्हें बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में मदद मिल सके। एक साथ नहीं खुलेंगे सभी बच्चों के स्कूल। CISE के सुझाव को देखते हुए उसमें बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए स्कूल खोलने की वकालत की गई है। ऐसे में काफी हद तक संभव है कि अगले साल जनवरी में स्कूल खुलेंगे तो पहले कक्षा 10 और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। केंद्र सरकार ने भी पहले कक्षा 9 से 12 के ही स्कूल खोलने की छूट दे दी थी, जिसके बाद में सभी कक्षाओं के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि अधिकतर राज्यों ने छोटे बच्चों के स्कूल पर पूरी तरह पाबंदी रखी है। कुछ कुछ जगह सीनियर क्लासेस के स्कूल खुले थे, इसलिए इसकी संभावना ज्यादा है कि स्कूल चरणबद्ध तरीके से ही खोले जाएंगे। जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स का साल बर्बाद न हो, इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम या फिर कोई और तरीका निकाला जा सकता है। बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के स्कूल जनवरी से खुलने की संभावना ज्यादा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।